झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सुशील कुमार पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही चलेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दोनों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि मंगलवार को दोनों के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गई थी। दरअसल साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में प्रार्थी देवानंद उराव की ओर से अदालत में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए आईए दाखिल किया गया था। आवेदन में कहा गया है कि पिछले सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सुशील कुमार का व्यवहार अदालत की मर्यादा के प्रतिकूल था, इसलिए इनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि अवमानना का मामला नहीं चलाया जाना ही सभी के लिए अच्छा होगा। उस दिन क्या हुआ यह कोर्ट ही जानती है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि इस मामले को नहीं चलाया जाए। हम इसके लिए बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। लिखित रूप में आने पर यह कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाएगा, इसलिए इस मामले को अनावश्यक नहीं बढ़ाया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि अदालत में क्या महाधिवक्ता ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, समस्या तो यही है कि उनकी ओर से ऐसा किया गया। सवाल उठाने पर हमने इस मामले को चीफ जस्टिस के यहाँ भेज दिया। सवाल सिर्फ जज पर नहीं बल्कि न्यायिक संस्था पर उठा है। इस मामले में शपथ पत्र दाखिल किया जाए, इस पर कपिल सिब्बल ने कहा। महाधिवक्ता की ओर से इस मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कई बातों के बारे में कोर्ट को अवगत कराया था। यह अवमानना का मामला नहीं बनता है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि प्रार्थी का आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।